फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं. और नाउ वी आर गोइंग टू रायबरेली मार्केट टुडे. सो टुडे इज ऑफ, सो सैटरडे संडे है और आज हम जा रहे हैं रायबरेली मार्केट और आपको दिखाएंगे कैसा है रायबरेली सिटी एंड रायबरेली का मार्केट. गाइज, सो कीप वॉचिंग. धूप बहुत हो रही है बट इस धूप को फाइनली हम धूप से लड़ते हुए निकल गए हैं. अब हम मिलते हैं आपसे रायबरेली चल के. ठीक है, कर दो शोनी गेट बंद, वो खुल जाएगा, गाय अंदर आएगी फिर. शोनी, यहाँ एवरी डे आई टू रायबरेली मार्केट जो है सिटी, उसका डिस्टेंस बता दो कितना है. 14 किलोमीटर होगा. 14 किलोमीटर अप्रॉक्स है. मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से चल के, हम जा रहे हैं बाइक से और जहाँ जहाँ पे जैसे कट आते हैं. सो आई विल टेल यू गाइस. ठीक है, सो कितना बड़ा सिटी है, कैसा मार्केट है, ले चलते हैं आपको रायबरेली. चल पड़े हैं हम गाइस. सो फ्रेंड्स, हम एमडीडीआई से निकल चुके हैं और इस कट से हम लेंगे लेफ्ट और इस ये जो रोड सीधी जाती है रायबरेली सिटी मार्केट की तरफ, इस रोड को बोलते हैं सुल्तानपुर रोड फुर्सतगंज. सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रायबरेली सिटी में. एक्चुअली रायबरेली तो है बट अब हम सिटी जो मार्केट एरिया है उसमें जा रहे हैं. पीछे हम फुर्सतगंज सुल्तानपुर रोड से चलते हुए आ रहे थे, अब हम पहुंच चुके हैं मेन रायबरेली सिटी. आप देख रहे हो यहाँ पे टोल रोड एंड. सो टोल रोड समाप्त हो चुकी है. सो गाइज, यहाँ पे ये बोर्ड आ चुका है और इस पे लिखा है मालिक मोहम्मद जैसी द्वार. हमने लेना है यहाँ से लेफ्ट, राइट पे होता है लखनऊ, इसे बोलते हैं सारस चौराहा. सारस चौराहे से हम लेंगे लेफ्ट जो जाती है रोड सीधा इलाहाबाद और रायबरेली सिटी. चलते रहेंगे हम इस रोड पे तो इसे बोलते हैं आगे जाके सिविल लाइन चौराहा. यहाँ पे भी आगे एक चौराहा आएगा. सो आई विल टेल यू, बने रहिए तब तक मेरे साथ, कीप वॉचिंग. देखो सामने डोमिनोज, बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम्स हैं यहाँ पे, ब्रांडेड फूड आइटम्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं बहुत अच्छे गाइस. मुझे भी वैसे इतना नहीं पता है, थोड़ा बहुत पूछते पाछते शोनी से, वो ड्राइव भी कर रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. बट आप देखते रहो, व्यू देखते रहो कैसा है सिटी रायबरेली. पेट्रोल पंप की भी कोई कमी नहीं. अभी देखो ये मेरे राइट पे भी पेट्रोल पंप है, पीछे फुर्सतगंज से एफडीडीआई से आते हुए भी हमने 3 से 4 पेट्रोल पंप क्रॉस करे हैं. मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, ऑटोमोबाइल्स रिपेयर, गाड़ी मोटर का रिपेयर वाले सारे गाड़ी के शोरूम्स भी है एंड शॉप्स भी. ये बोर्ड आया समयपुर पक्षी विहार आगे है, प्रतापगढ़ के लिए भी सीधे जाना, इलाहाबाद के लिए भी सीधे जाना है, लालगंज के लिए इस चौराहे से हमें राइट मिलना पड़ेगा. और ये भाई साहब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हवलदार. ये चौराया है जो सिविल लाइन चौराया और यहाँ से हमने लिया राइट और सीधे ये फ्लाईओवर आएगा एक छोटा सा, इट्स कॉल्ड सिविल लाइन फ्लाईओवर. है ना शिवनी, सिविल लाइन फ्लाईओवर बोलते हैं बट जो भी है सिविल लाइन वाला पुल है यार. सिविल लाइन वाले फ्लाईओवर से उतरते ही हम पहुंच गए हैं एकदम मार्केट वाले एरिया में. यहाँ से सारे शोरूम शुरू हो जाते हैं स्टार्टिंग से ही. देखो सिटी मार्ट लेफ्ट पे वुडलैंड का शोरूम है गाइस, तो बड़े से बड़े टॉप शोरूम्स यहाँ मिलेंगे, शॉपिंग की कोई कमी नहीं है. बोर्ड लगे हुए फतेहपुरी लालगंज बांडा पता नहीं क्या है. हाँ जी, ये आ गया आपका डिग्री कॉलेज चौराया. यहाँ ही यहीं पे बैक साइड पे पीछे मेरे है शहीद चौक, जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल्स या कुछ भी आंदोलन करना होता तो यहाँ पे करते हैं लोग, मैंने देखा है. यह है एक छोटा सा शिव मंदिर
और यहाँ से ये अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इंदिरा नगर, अग्रसेन पार्क और जिला आवास आई थिंक जो भी है, बट हमें जाना है राइट और ये सीधी रोड जाती है जिला अस्पताल भी, रेलवे स्टेशन भी, बस स्टॉप भी और कचहरी। बट हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है रिलायंस ट्रेन पे। रायबरेली और मेरे पीछे है ट्रेन। अब हम ट्रेन में जाते हैं, देखते हैं हमें कुछ क्या मिलता है जो हमें पसंद आएगा और हम खरीदेंगे। और सोने लगा रहे बाइक पार्किंग पे गाइस। सेम ट्रेन है जैसे दिल्ली में वही चीज है, बट अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो शोनी ये सेम चीज वैरायटी दिल्ली में भी है। कंपैरिजन रेट का है। सो गाइस यहां पे आपको मिलेगा बाय वन एंड गेट 20% ऑफ। रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहे के पास है। इट्स ट्रेन। ओके। इतने स्मार्ट पॉइंट पे जहाँ पे मतलब कुछ भी हमें खास सामान नहीं मिला अपने ग्रोसरी से रिलेटेड। सामान पे सामान बढ़ाते हुए नहीं है। देखो जब मैं रायबरेली आती हूँ ना अंकल तो मैं हम करके बोलना शुरू कर देती हूँ। तो हम बता दिए अंकल जी को कि ये मनोज है, ये ममता है और हमारे चैनल का नाम है ममता मनोज नेगी। तो जब आपका सो फ्रेंड्स ये था गोयल मार्ट, ये है बेलीगंज। बेलीगंज से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं बाहर। सो फ्रेंड्स ये वाली रोड सब जाती है रेलवे स्टेशन रायबरेली जंक्शन, बट हम रेलवे स्टेशन की तरफ वाली रोड से जाते हुए यहाँ पे आता है मनसा देवी मंदिर जो आप ये देख रहे हैं। तो जय माँ मनसा देवी जी। और आगे ई रिक्शा से यहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको। ये है रायबरेली का रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास दुनिया भर के होटल्स हैं। ये देखो होटल जयदीप। सो होटल्स की भी कोई कमी नहीं है। स्टेशन के पास हरिओम स्टोर पे अंकल जी मिलेंगे। अगर आपको सोया चाप चाहिए तो आपको यही मिलेगी, पैकेट वाली भी मिलेगी और लूज वाली भी मिलेगी। अंकल अभी लूज वाली का रेट क्या चल रहा है? 70 का आधा किलो। ये भी पैकेट ही 70।
शोर ये बोर्ड देख रहे हो, बोलो जुबा केसरी। बैंक्स की तो कोई कमी नहीं है रायबरेली सिटी मार्केट एरिया में गाइस। ये देखो शोरूम पैंटालूंस, और बैंक्स की मैं बात कर रही थी, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, गवर्नमेंट बैंक्स हो, बहुत सारे बैंक्स है, डाकघर है। और ये आ गए हम अब जिला स्वास्थ्य, क्या बोलते हैं, जिला अस्पताल, अस्पताल वाला इलाका, अस्पताल चौराहा, कॉल्ड अस्पताल चौराहा। इतनी मेडिकल स्टोर्स, केमिस्ट की शॉप, डॉक्टर्स, छोटे छोटे क्लिनिक यहाँ पे मिलेंगे आपको, दवाई की कोई कमी नहीं है। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, सारे मेडिकल स्टोर के बोर्ड्स हैं, और ये है अस्पताल चौराहा, रायबरेली सिटी का अस्पताल चौराहा, और ये है जिला चिकित्सालय रायबरेली, ग्रेट रायबरेली अस्पताल चौराहा। सो गाइज ये है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ रायबरेली सिटी, SJS पब्लिक स्कूल की बस भी खड़ी है, अभी स्कूल चल रहे हैं वैसे, छुट्टियां नहीं पड़ी है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉनिक हो, ग्रॉसरी हो, रिलायंस डिजिटल, या फिर बड़े से बड़ा शोरूम यहाँ है, बैंक्स यहाँ है, वंडरफुल रायबरेली सिटी। स्मॉल सिटी है बट सुपर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस सिटी। देखो प्राइवेट बैंक, येस बैंक, इधर पीटर इंग्लैंड, एडिडास, हैवल्स, नाइस, गोदरेज, हायर, उषा, हिटैची, वंडरफुल। मार्केट एरिया था एकदम रायबरेली का सिटी जो हम अभी तक घूम रहे थे, और अंदर आप लोग देख रहे हो ऐसे सुंदर से घर होते हैं सबके, और बहुत शांति है अंदर। तो पहुंचे हैं पवन स्वीट एंड नमकीन पे खस्ता समोसे खाने के लिए। मैं नहीं खा रही हूँ एक्चुअली, मैंने हैवी ब्रेकफास्ट एंड फिर फ्रूट सैलेड खाया था, तो शोनी खस्ता समोसे खाएंगे समोसे खाएंगे लाल चटनी के साथ। तो अभी आते हैं समोसे, हम आपको दिखाते हैं रायबरेली के पवन नमकीन स्वीट के समोसे। अभी भैया हमें देंगे गरम गरम समोसे। ये डाली इसमें लाल चटनी, गरम समोसे, बहुत जल्दी खत्म होती है। कैसा लग रहा है सुनी समोसे गरम गरम रेड चटनी के साथ? बहुत गरम है, मस्त लवली। और लाल चटनी वैसे मैं हरी हरी नहीं मिलती ना भैया, इसमें हरी चटनी नहीं मिलती भैया, इसका शॉप का वीडियो। हेलो, हाँ ले 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 लिया, दो मतलब दो थी, दो दे दो, ये थोड़े वैसे देना ना, हरे हरे ना, ज्यादा पके नहीं। कौन से चाहिए? सो गाइस जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गए हैं, डिग्री कॉलेज वाला चौराहा, शहीद चौक,
और यहाँ से सीधे हम जाएंगे वहीं सिविल लाइन वाले फ्लाईओवर पे, सिविल लाइन चौराहे से, फिर सारस से, और देन फिर वापस अपने घर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत धूप हो रही है गाइस, फिर भी अब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। दोबारा रायबरेली आएंगे, आज के लिए इतना। दोबारा नेक्स्ट टाइम सुपरमार्केट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमें आज बहुत अच्छे अच्छे लोग, अंकल आंटीज एंड जो भी मिला, बहुत अच्छे मिले और हमने खूब इंजॉय किया। सो तब तक के लिए बाय, नमस्ते। तुम भी बाय करोगे?